गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि इंडिया में जिम फिर से ओपन हो गए हैं। साथ ही साथ मैं अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या हमें जिम जाना चाहिए या जिम नहीं जाना चाहिए, दोनों मुद्दों पे आज बात करेंगे। आज इसी बारे में हम बात करेंगे और अगर आप जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली में भी जिम ओपन हुए नहीं है ऑफिशियली, बट हाँ कुछ जिम है जो चोरी छिपे चल रहे हैं अभी भी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली के बाहर ऑल ओवर इंडिया सारे जिम अभी ओपन हो चुके हैं और अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो अभी आप जिम जा सकते हैं, जिम दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज मेरा जो जिम है जहाँ मैं रेगुलरली जिम जाता था पहले कोविड से पहले, वो है गाज़ियाबाद में। और दो दिन पहले ही मैं जिम गया था ये चेक करने के लिए कि क्या क्या गाइडलाइंस हैं जो चेंज हुई हैं जिम की। तो और वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को काफ़ी डिफरेंट लगी। लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, क्योंकि जब मैं जिम गया तो सबसे पहली चीज़ मैंने वहाँ पे नोटिस करी कि जो क्राउड 25 से 30 लोग हर बैच में आते थे एक शेड्यूल में, जिस शेड्यूल में मैं मॉर्निंग में जाता था 7 से 8 में, तो मुझे वहाँ पर सिर्फ 3 से 4 लोग थे जो वहाँ पर वर्कआउट कर रहे थे। तो मैं भी शॉक हो गया, तो मैंने भी अपने जिम ओनर से पूछा, ट्रेनर से पूछा कि यार मतलब लोग जिम आ नहीं रहे क्या। तो उसने यही जवाब दिया मुझे, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 दिन हो चुके हैं जिम खुले हुए, 5th को जिम ओपन हो गए थे। तो उसने यही जवाब दिया कि भाई अभी ये जो लोग आपको दिख रहे हैं इतने ही लोग हर बैच में आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिम नहीं आ रहे हैं और अभी भी आगे भी कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। और जो गाइडलाइंस उन्होंने मुझे बताई वो गाइडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो जो 4 गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने मुझे बताई, जो कि अगर आप जिम ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तो आपको भी वो फॉलो करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी खुद की वाटर बॉटल लेके जानी पड़ेगी। जिम की तरफ से आपको कोई वाटर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ये कोविड की गाइडलाइंस है जो अडेप्ट की गई है जिम के अंदर। दूसरी गाइडलाइन ये है कि आप जब भी वर्कआउट करेंगे या जिम में एंटर करेंगे तो आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए। मास्क जो है वो मैंडेटरी हो गया है अभी वर्कआउट के लिए। तीसरी जो गाइडलाइन है वो है आपके पास एक हैंड टॉवल होना चाहिए, क्योंकि आप जिम करेंगे वर्कआउट करेंगे तो आपको स्वेटिंग भी होगी तो उससे पसीना आएगा, तो आप उसको अगर हाथ से ना पोंछे, कोई आपका इन्फेक्शन ना हो या संक्रमण ना फैले, उसके लिए आपको हैंड टॉवल लेके जाना है। और जो 4th और लास्ट गाइडलाइन है वो ये है कि आपको अपने पास एक छोटी सी सैनिटाइजर की बॉटल कैरी करनी है। वो इसलिए कैरी करनी है क्योंकि आप डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं वहाँ पे, आपके जिम के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं आप उनको टच करोगे, यूज़ करोगे, तो कि कोई और भी आएगा वो भी उसको यूज़ करेगा, किसी और ने पहले यूज़ किया हुआ, और अगर इन केस उसको कोई ऐसा कोविड का कोई सिम्टम है तो वो आपकी बॉडी में ना जाए, आप तक ना फैले, उस चीज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके वो यूज़ करना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो ही आप इस कोविड से दूर रहेंगे और अपना जिम इंजॉय कर पाएंगे। सबसे बड़ा और सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या अभी हमें जिम जाना चाहिए या जिम नहीं जाना चाहिए। तो इसका आंसर है यस और नो, दोनों ही है। तो आज दोनों ही टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यस, कि हमें जिम क्यों जाना चाहिए। तो अगर आप इंडिपेंडेंट हैं और आपके साथ कोई नहीं रहता है, आपकी फैमिली नहीं रहती है, अकेले रहते हैं, तो आप बेशक जिम जाइए और जो मैंने प्रिकॉशन आपको बताई है 4 प्रिकॉशन वो लेके जाइए। तो जो लोग फिटनेस लाइन में हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका ये प्रोफेशन है और इसी में उनका ये करियर बनने वाला है, तो उन लोगों को तो ऑब्वियसली है कि उनको जिम जाना तो ऑब्वियसली वो ऑलरेडी पहले भी कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ कई जिम्स हैं जो कई सारे ट्रेनर्स होते हैं, जैसे जिम बंद भी थे तो कई सारे ट्रेनर हैं जो जिम में जाते थे इक्का दुक्का लोग, और वो करते थे अपने कंपटीशन की आगे की तैयारी, क्योंकि होता क्या है कि अगर वो 4-5 महीने का गैप ले लेंगे तो उनका जो है करियर दाव पे लग जाता है और इनका फिटनेस गोल है वो पूरा कभी नहीं हो पाएगा और उनका करियर इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। तो वो लोगों के लिए तो ऑब्वियसली बात है, कोई इसमें शक नहीं है कि वो ऑब्वियसली जिम जाएंगे। तो ऐसे कौन से लोग हैं जिनको जिम अभी अवॉइड करना चाहिए? सबसे पहले वो लोग हैं कि जिनके घर में कोई भी पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, किसी और डिजीज़ से वो संक्रमित है और सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डाउन होता है और उनके लिए थोड़ा सा ये खतरा है। हालांकि अगर वो प्रिकॉशन रखेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं, बट अगर वो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है, और अगर होम वर्कआउट ही फॉलो करें तो बढ़िया रहेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक ये केसेस जो हैं डाउन नहीं आ जाते हैं। जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं, बेबी हैं,
उन लोगों को भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। अगर वो जिम अवॉइड करें तो बेटर है, नहीं भी करें तो कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा प्रिकॉशन रखें और ऐसी जिम से आए अपने आप को एक बात लें और सैनिटाइजर यूज़ करें आते ही। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब हमने इतना वेट कर लिया तो थोड़ा वेट और सही, तो वो उसमें कोई इशू भी नहीं है। तो गाइज, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी, होप ये जानकारी आपको बहुत ही मदद करेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।